सेब सीजन के लिए भी एक बैठक जो है वो संबंधित अधिकारियों की बैठक हमने पीछे कर ली है और उसमें कुछ रेट्स के इशू थे, उसके लिए सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम की अध्यक्षता में समितियां बनाई हैं सारी जगह में। वो आज संभवतः उनकी 8 स्थानों पर आज उनकी अपनी अपने स्थानों पर बैठकें हो रही हैं जिसमें वो अपने प्रपोजल यहाँ हमको भेजेंगे। इसके अलावा सभी पीडब्ल्यूडी अथॉरिटी से बात की गई थी तो जो ऑफिसर थे अपनी सड़कों के रखरखाव के बारे में, नालियों के बारे में जो उसके क्लीन रहे हैं, सारी चप चीज़ रहे हैं उस पर बात की गई थी। रोड की इंस्पेक्शन मैंने और एसपी साहब ने जॉइंटली जो है वो जितने भी हमारे कनेक्टिंग मेन रोड्स हैं उसकी की है पीछे, और उस पर जहाँ जहाँ जो जो भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत थी उस पर हम लोग कॉन्स्टेंट चर्चा में हैं। ट्रैफिक फ्लो ठीक रहे, गाड़ियों की कहीं कोई कमी ना आए तो उसके लिए हमारे एडीएम साहब हैं और उसको वो जो है ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियों की आवश्यकता है, और कुछ चीज़ें हमारे एडीसी साहब वर्कआउट कर रहे हैं, एडीएम प्रोटोकॉल वर्कआउट कर रहे हैं, काफ़ी वर्क का डिवीजन किया गया ताकि काम जो है बड़े अच्छे तरीके से हो। और इसमें हमारे जो बागवान लोग थे पीछे, जो हमारी आड़ती एसोसिएशन है, उन लोगों के साथ भी चर्चा की थी और अब हम नेक्स्ट वीक में जो है वो इसमें जो है वो जो जहाँ जहाँ भी हमारी मंडियाँ हैं उसमें भी जाकर के एक व्यापक दौरा करके उनके साथ जो कुछ हमारे करने का है उस पर चर्चा करके उस समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें रिस्पेक्टिवली, जैसे मान लीजिए कार्टन वाला जो इशू है वो एचपीएमसी वगैरह ने उन्होंने अपना उसका प्रोसेस को किया है पूरा और वो जल्द ही जो है ये इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो इसमें जो एचपीएमसी की एमटी हैं इज़ वर्किंग ऑन दैट, तो इसकी जो है वो जल्दी से जल्दी आपूर्ति जो है वो की जाएगी। जी कनेक्टिविटी का तो देखिए इसमें हमारे चार जगह में हमारे कंट्रोल रूम बनते हैं, इसके अलावा जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड हैं इनके बैरियर्स लगते हैं, इनके कोऑर्डिनेशन के लिए हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है, तो इन सब का कोऑर्डिनेशन रहे, इनफ्लो ट्रैफिक का रहे, आउटफ्लो ट्रैफिक का रहे, रेगुलेशन रहे। एसपी साहब ने एक प्लान वर्कआउट किया है कि किस तरीके से यदि कहीं कहीं गाड़ियाँ मान लीजिए कोई लास्ट टाइम भी जैसे एक अच्छे मैनेजमेंट के बावजूद भी एक्सीडेंट्स को रिडक्शन में पूरी तरह से लाया गया था, तो उसमें भी थोड़ा सा ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी जगहों में अपनी क्रेन्स पोकलेन्स वगैरह को जो है वो रखा जाएगा जहाँ पर कहीं ऐसी बाई चांस कोई दिक्कत आती है, कोई गाड़ी ख़राब होती है तो उसको क्विकली वहाँ से रिमूव किया जाए ताकि किसी की जो सेब है उसको मंडी तक पहुँचने में देरी ना हो, क्योंकि एक आध दिन भी देरी होती है, मार्केट का फ्लक्चुएशन रहता है अप डाउन, तो उसमें किसी का नुकसान ना हो, तो ये कोशिश करेंगे कि इस तरीके से करें। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये निवेदन ये भी रहेगा क्योंकि जैसे थोड़ा बारिशों के कारण फिर थोड़ी सड़कें सुड़के थोड़ी उसमें भी कई बार कई जगह में थोड़ी समस्याएं आती है, तो कोई भी जो है वो किसी किस्म का कोई रिस्क ना लें, अपने जान माल की सुरक्षा पहली चीज़ को ध्यान में रखें और गाड़ियों को कच्चे मार्गों की तरफ जहां पर है कच्चे मोड़ पर ना मोड़ें, बाहर की तरफ ना लें, पूरी तरह से रोड सेफ्टी को अनुपालन करें, ओवरलोडिंग बिल्कुल ना करें। ये आप लोगों के माध्यम से मेरा निवेदन है कि ओवरलोडिंग ना करें, थोड़ी बहुत मुनाफे के चक्कर में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी मेरा निवेदन करेगा कि ओवरलोडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें हर गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके व्हील बैलेंसिंग के हिसाब से की जाती हैं, और यदि उसका कहीं वॉल्यूम उसमें बढ़ जाता है या उसकी हाइट बढ़ जाती है तो ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है और उससे फिर बहुत लोगों को नुकसान होता है, जान चली जाती है, उसके परिवार जो है उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा मेरा सभी से प्रार्थना है कि नियमों का पालन करें और हम सब आशा करते हैं कि सब अच्छा होगा, अच्छा ही होना चाहिए।